मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा। जो जानवरों को भी मारते थे, जीव जंतुओं को मारते थे, वो भारतवासी इतने गुस्से में और क्रोध में थे कि अंग्रेजों को कत्ल कर दिया। 4.5 करोड़ से ज्यादा भारतवासी इस क्रांति की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और ये भारत को सोने की चिड़िया के देश से गरीब और भुखमरी वाला देश हमने बना दिया। उसने अपना स्टेटमेंट क्लैरिफाई किया, उसने कहा कि पूरे भारत से लूट कर लाने के लिए तो 1000 साल लगे और इस लूट का दुष्परिणाम था कि भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश अंग्रेजों की लूट के बाद कंगाल और भिखारी देश बन गया। अंग्रेजों की सरकार ने भारतवासियों से पैसे छीनने के लिए, धन संपत्ति छीनने के लिए कुछ कानून बनाए थे। मैं आपको अंग्रेजों के समय की एक घटना सुनाता हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के दस्तावेजों पर आधारित है। 1857 में जब इस देश में क्रांति हुई, पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ, तो उसका परिणाम आपको शायद मालूम है या नहीं, 3 महीने में भारत की पूरी धरती, भारत की पूरी भूमि अंग्रेज विहीन हो गई थी। एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था 1857। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को मेरठ नाम के एक शहर से उत्तर भारत, और लोगों में इतना गुस्सा आ गया था अंग्रेजों के खिलाफ कि लोगों ने अंग्रेजों के घर जला दिए थे मेरठ शहर। एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था और जो घर से निकलकर भागा उसकी गर्दन काट दी थी लोगों ने, और वो चाकू जो भाजी काटने वाला है उससे गर्दन काटी थी, इतना गुस्सा लोगों में था। और मेरठ में जब सारे अंग्रेज मारे गए तो दिल्ली में शुरू हो गई ये क्रांति 11 मई को। 5 दिन में दिल्ली में हजारों अंग्रेजों का कत्लेआम हो गया, फिर बरेली में, फिर शाहजहांपुर में, फिर अलीगढ़ में, फिर आगरा में, भारत के ऐसे 350 शहरों में ये क्रांति हुई थी, सतारा में और कोल्हापुर में, पूरे भारत में, कर्नाटक में, आंध्रा में, तमिलनाडु, भारत का कोई स्थान बचा नहीं था जहां ये क्रांति ना हुई। उस क्रांति में 3,64,000 अंग्रेज मारे गए थे, भारत के लोगों ने उनको मार डाला था। उन भारतवासियों ने मार डाला था जो अंग्रेजों से कभी डरते थे, घबराते थे। उन भारतवासियों ने अंग्रेजों को कत्लेआम कर दिया था जो चींटी को भी मारते थे, जो जानवरों को भी मारते थे, जीव जंतुओं को मारते थे। वो भारतवासी इतने गुस्से में और क्रोध में थे कि अंग्रेजों को कत्ल कर दिया। अंग्रेज बच नहीं पाए, मारे गए। 2-3 अंग्रेज बच गए उस क्रांति में और वो भागकर लंदन चले गए। तो उनको पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि तुम जिंदा कैसे बचे, बाकी तो कोई बच के नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हम जिंदा ऐसे बचे कि हमने अपने शरीर पर काला रंग लगा लिया था और हम ऐसे ही दिखते थे जैसे भारतवासी, उसमें हम बच गए। भारतवासियों ने यह सोचा कि यह भी हमारे ही जैसा काला आदमी है, इसलिए छोड़ दिया हमको। तो 2-3 अंग्रेज छूटकर भाग गए। उन अंग्रेजों से पूरी कहानी सुनी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और पूछा कि क्या क्या हुआ। तो उन्होंने विस्तार से बताया कि 350 से ज्यादा स्थानों पर भारत में यह क्रांति हुई, 4.5 करोड़ से ज्यादा भारतवासी इस क्रांति की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, करोड़ों करोड़ों भारतवासियों ने तलवारों का इस्तेमाल किया, हसीये का इस्तेमाल किया, चाकू का इस्तेमाल किया, बंदूकों का इस्तेमाल किया अंग्रेजों के खिलाफ, और ये पूरी क्रांति सशस्त्र क्रांति थी, हिंसक क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को कल्पना नहीं थी कि भारत में इतना बड़ा विद्रोह हो सकता है उनके खिलाफ। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अंग्रेज बचकर जिंदा पहुंचे उनसे पूछा गया कि इस क्रांति का मुख्य कारण बताओ। तो उन अंग्रेजों ने कहा कि हमने भारत में जो लूट मचाई वो सबसे बड़ा कारण, भारतवासियों की लूट हमने की और ये भारत को सोने की चिड़िया के देश से गरीब और भुखमरी वाला देश हमने बना दिया, ये पहला कारण। और अंग्रेजों ने कितनी लूटमार की है इस देश में उसका अंदाजा लगाना चाहे तो एक अंग्रेज अधिकारी के डायरी के पन्ने का एक वाक्य सुनाता हूँ आपको। एक अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, वो बंगाल में आया था। 1757 में उसने प्लासी का युद्ध लड़ा था। युद्ध के बाद वो बंगाल का राजा बन गया था, आप जानते हैं, मीर जाफर की मदद से। और राजा बनने के बाद उसने बंगाल को लूटा था, तो कलकत्ता के कुछ मोहल्ले उसने लूटे थे और उनको धन लंदन लेके गया था। 7 साल उसने कलकत्ता को लूटा था। तो रॉबर्ट क्लाइव को ये पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बार कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए। तो उसने कहा भारत से नहीं लूट कर लाया, भारत के एक राज्य के एक शहर के एक छोटे से इलाके से कुछ लूट कर लाया। उसने अपना स्टेटमेंट क्लैरिफाई किया, उसने कहा कि पूरे भारत से लूट कर लाने के लिए तो 1000 साल लगेंगे, इतना धन और संपत्ति भारत में। मैं तो भारत के एक राज्य के एक शहर के एक छोटे से इलाके से कुछ लूट कर लाया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर पूछता क्या लूट कर लाए तुम। तो उसने कहा सोने के कुछ सिक्के, चांदी के कुछ सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, ये सब लूट के लाए। कितना लेके आए। तो उसने कहा मालूम नहीं है कितना लेके आए, फिर भी अंदाजा बताओ। तो उसने कहा मैंने गिना नहीं है अभी तक कितना लाए, तो रफ एस्टिमेट बताओ, कुछ मूल मोटा मोटा आकलन बताओ। तब उसने जो उत्तर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो मैं आपको सुनाता हूं। वो कहता है
कि कलकत्ता शहर की संपत्ति को लूटकर लंदन लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े। 900 ships किराए पर लेकर मैंने वो संपत्ति उनमें भरी और उसको कलकत्ता से लंदन लेके आया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने पूछा कि ये शिप की बात कर रहे हो या बोट, नाव की बात कर रहे हो या जहाज की। उसने कहा शिप की बात कर रहा हूं, नाव में नहीं भर के लाया, जहाज में भर के लाया। तो फिर उसको पूछा गया कि जहाज का आकार बताओ, कितना बड़ा जहाज, कितनी उसमें धन संपत्ति आ सकती है। तो उसने कहा कि एक जहाज में कम से कम 70 मीट्रिक टन सामान आ सकता है, ऐसे 900 जहाज भर के मैं संपत्ति लाया। 70 मीट्रिक टन का माने होता है 70,000 किलोग्राम, एक मीट्रिक टन में 1,000 किलोग्राम। तो ऐसे 900 जहाज भर के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, वो सब लूट कर ले गया एक अंग्रेज जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने लूटा इस देश को, फिर उसके बाद कर्जन ने लूटा, फिर लिलिथगो ने लूटा, फिर वेवेल ने लूटा, फिर इसके बाद डलहौजी ने लूटा, फिर विलियम बेंटिंक ने लूटा, और आखिरी लुटेरा अंग्रेजों का जो इस देश में आया वो माउंट बेटन था। तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर माउंट बेटन तक 84 गवर्नर जनरल इस देश में आए अंग्रेजों के, और हर एक ने लूटा। किसी ने 900 जहाज भर के, किसी ने 700 जहाज भर के, किसी ने 500, किसी ने 300, किसी ने 200, किसी ने 50, जैसी जिसकी क्षमता थी सब लूट कर ले गए इस देश को। और ये लूट इतनी बड़ी है कि दुनिया के किसी देश में इसका उदाहरण नहीं मिलता। और इस लूट का दुष्परिणाम था कि भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश अंग्रेजों की लूट के बाद कंगाल और भिखारी देश बन गया। अंग्रेजों ने ये जो लूट मचाई इस देश में, इस लूट का अंदाजा हम लोगों ने लगाया पिछले 15 साल में दस्तावेजों के आधार पर। अंग्रेजों ने इस देश में से लगभग 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। 300 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं इसका अंदाजा लगाना हो तो भारत सरकार की एक पंचवार्षिक योजना 10 लाख करोड़ की होती है। एक पंचवार्षिक योजना जो 5 साल चलती है, और एक पंचवार्षिक योजना अगर 10 लाख करोड़ की है तो 30 पंचवार्षिक योजनाएं उस धन से इस देश में चलाई जा सकती हैं। इतना धन अंग्रेजों ने लूटा इस देश में, वो सब ले गए यहां से। उसमें हमारा खजाना खाली हो गया, हम कंगाल हो गए, गरीब हो गए। वरना अंग्रेजों के पहले तो ये देश दुनिया का सबसे अमीर देश था, सबसे श्रीमंत देश था।